नाजरीन आजवान न्यूज़ में आपका एक बार फिर खिदमतम मैं अरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। इस वक्त हम कुपवाड़ा में हैं और यहाँ पर आज ज़ोरों से बारिश हो रही है और आज दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहा और उस वजह से यहाँ पर पूरी इलाकों में जो सड़कें हैं वो पानी की बहाव में आ चुकी हैं। और इस वक्त मैं कलारूस की अगर बात करें तो वहाँ से पूरी तरह से नाला भर चुका है और पूरी सड़क जो है वो पानी की लपेट में आ चुकी है और बारिशों का जो पानी है बिल्कुल वो जंगलों की साइड से आ रहा है। और इस वक्त जो है कि हम घूस जंगली खुमरियाल और खासकर अगर खुमरियाल की बात करें तो पूरी सड़कें जो है वो दरिया में चेंज हो गई हैं और पूरी तरह से इन पे पानी ही पानी है। और आप देख सकते हो कि ट्रैफिक की आवाजाही में कितनी मुश्किलों का सामना है। तो इस वक्त यहाँ पर हम बिल्कुल खुमरियाल चेरकूट कलारूस और घूस जंगली वगैरह ये सारे इलाके जो हैं ये पानी की लपेट में आ चुके हैं और काफ़ी जो बारिश है वो ज़ोरों से हो रही है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। तो पूरी तरह से आज यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज बारिशों का जो सिलसिला अभी दोपहर के बाद जो ही शुरू हुआ तो उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो सड़कों पे पानी आ गया और उसके साथ साथ नदी नालों में भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और यहाँ पर जो गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें भी काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से ज़्यादा जो गर्मी की तपिश थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोग ये सहन नहीं पाते थे और इतनी गर्मी ज़्यादा थी कि बहुत कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। हालाँकि उसके बाद महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन भी की थी ऐन मुताबिक उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक ही आज जो बारिशें हैं वो यहाँ पर शुरू हुई। आज पूरे जम्मू कश्मीर में पहले भी आज सुबह से ही बारिश थोड़ी बूंदाबूंदी हुई थी लेकिन इस वक्त जो ज़ोरों की बारिश जो है वो हुई है कुपवाड़ा ज़िले में। तो खासकर अगर लोलाब की बात करें तो लोलाब के खुमरियाल इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उसके साथ साथ घूस जंगली और कलारूस में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। उस वजह से यहाँ पर जो है सड़कें वो भी पानी में आ चुकी हैं और इसके ऊपर पानी आ चुका है। तो उस वजह से यहाँ पर जिस तरह से सड़कों ने दरिया की शक्ल इख्तियार कर लिया है तो उस वजह से गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना है। तो इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इरशाद वानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर शुक्रिया।